माताएं बहने हैं उनको हर महीना महतारी बंधन योजना में एक एक हजार रुपया देने का काम कर रहे हैं। एक तारीख दो तारीख को ही उनको पैसा भेज देते हैं। आज बस्तर और सरगुजा संभाग जहां हमारे आदिवासी भाई जिनका 13 लाख परिवार जो तेंदुपत्ता से जुड़े हैं उनका भी 4000 से बढ़ा के सीधे 5,500 मानक बोरा तेंदुपत्ता का दाम भी किए हैं और हम लोग 15 दिन तेंदुपत्ता का खरीदी भी किए हैं और बोनस भी दे रहे हैं। रामलला दर्शन योजना वो शुरू किए हैं। आज तक 15,000 से ज्यादा राम भक्त छत्तीसगढ़ से बढ़िया सुख सुविधा रेल में भगवान राम का दर्शन करके आए हैं। तो ये काम मोदी की गारंटी का हम सब लोग कर रहे हैं। और जैसे मैं बता रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री जी आदिवासियों के लिए बहुत चिंता करते हैं, जैसे विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं जिनको राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहते हैं, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में कोरवा हैं, बिरहोर हैं, पंडो हैं, बैगा हैं, आपके बस्तर क्षेत्र में अबूझमाड़िया हैं, तो उनके विकास के लिए पीएम जनमन योजना हमारे प्रधानमंत्री जी शुरू किए हैं। 47,000 करोड़ का बजट, और आप लोग देखते होंगे जहां पर हमारे अबूझमाड़िया भाई हैं वहां सीधे मोदी जी भारत सरकार के पैसा से सारा काम हो रहा है। वहां सड़क, बिजली, पानी, उनका राशन कार्ड, वहां स्कूल, अस्पताल, ये सब खोलने का काम कर रहे हैं। अभी 2 अक्टूबर को हमारे प्रधानमंत्री जी एक और आदिवासियों के लिए एक नया अभियान शुरू किए हैं, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना। इसमें पूरे देश में 80,000 करोड़ का ये बजट है और हमारे छत्तीसगढ़ का 6,500 गांव उसमें लाभान्वित होगा। 5 करोड़ आबादी हमारे आदिवासी भाइयों का उसमें लाभान्वित होगा और ऐसे 6,500 हमारे जो आदिवासी गांव हैं वहां भी जैसे पीएम जनमन योजना उसी तर्ज पर वहां का सारा विकास होगा। काफी विकास हो चुका है लेकिन जो भी बचा है वहां का सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, ये सब का काम ये धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना के माध्यम से होगा। ये 80,000 करोड़ का ये बजट है। उसी तरह से एक पीएम श्री योजना का शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। मनुष्य को अगर किसी भी क्षेत्र में विकास करना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है और इसलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा आज इस मोरिया दरबार में हमारे सभी गणमान्य लोग, मांझी चालकी मेंबर मेम्बरीन लोग हैं कि हम लोग को अपने बच्चों को पढ़ाना है, खाली सरकारी नौकरी के लिए नहीं लेकिन मनुष्य एक अच्छा जीवन जी पाए उसके लिए भी पढ़ाई शिक्षा जरूरी है। जीते तो सब हैं, अनपढ़ भी जीते हैं, पढ़े लिखे लोग भी जीते हैं, लेकिन दोनों के जीवन में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसलिए हम लोगों को अपने बेटा बेटी लोगों को पढ़ाना है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी पीएम श्री योजना लागू किए हैं। 341 स्कूल मतलब हमारा प्रदेश का उसमें शामिल हो चुका है और जो स्कूल शामिल होता है 2 करोड़ रुपया सीधे भारत सरकार से आता है। वहां पर स्मार्ट क्लास, वहां पर बिजली पानी सब सुविधा जैसे प्राइवेट स्कूल में होता है वैसा सुविधा वो सरकारी स्कूल में हो, इसकी व्यवस्था पीएम श्री योजना में हमारे मोदी जी कर रहे हैं। आज हमारा ये बस्तर का 5 जिला संवेदनशील जिला है। मैं चाहूंगा कि माँ दंतेश्वरी उनको भी सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे कि वो लोग ये गोलीबारी का भाषा छोड़ के विकास के मुख्य धारा से जुड़े। सरकार उनको भी बसाना चाहती, उनका भी विकास करना चाहती है और इसीलिए ऐसे 5 जिले के मतलब लोगों के विकास के लिए हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार नियत नेलानार योजना शुरू की है। आपका अच्छा गांव गोड़ी भाषा में है नियत नेलानार और 96 गांव इसमें शामिल है। 5 जिला का 96 गांव शामिल है और इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान हम लोग किए हैं और वहां भी सड़क, बिजली, पानी, वहां मोबाइल का टावर, वहां अस्पताल, जो स्कूल बंद थे वो सबको चालू करवा रहे हैं। आप लोग उधर जाके देखेंगे तो 10 महीना में उधर रोड भी बन रहा है, उधर बिजली भी घर घर पहुंच रही है, पानी भी जो मोदी जी जल जीवन मिशन में घर घर नल द्वारा पानी पहुंचाना चाहते हैं उसको भी पहुंचा रहे हैं। मोबाइल का टावर उधर नहीं था तो मोबाइल का टावर भी आज 150 से ज्यादा मोबाइल का टावर लगवा रहे हैं। तो
तो ये सब काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके मार्गदर्शन से दंतेश्वरी माई के आशीर्वाद से हम लोग छत्तीसगढ़ का समुचित विकास करना चाहते हैं। लेकिन आज फिर से मैं दोहराना चाहूंगा कि हमारे जितने मांझी चाल की मेंबर मेम्बरिन सबका ये प्रार्थना हो माता दंतेश्वरी से, सब दुआ मांगे कि हमारे छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, यहाँ पर शांति हो, जो लोग भटक गए हैं उनको माता सद्बुद्धि दे, वो भी विकास की मुख्य धारा से जुड़े। आज के इस अवसर में माँ दंतेश्वरी से यही कामना है। और मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए अब बराबर आप लोगों के बीच में रहेंगे और ये जो विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा है इसको और भी भव्य बनाएंगे और पूरे देश ही नहीं विदेशों तक इसका प्रचार प्रसार होगा, इसके लिए हम सब लोग प्रयास करेंगे। मैं आप सभी लोगों को फिर से बस्तर दशहरा का बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की, मावली माता की, मुरिया दरबार की। बहुत बहुत धन्यवाद। संबोधित कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन। अब महोदय से आग्रह करना चाहेंगे, एक पुस्तिका का विमोचन आपके कर कमलों से होना है।